So the question is, a quadratic polynomial can have atmost dash zeros. Okay, the quadratic polynomial ka atmost, atmost ka matlab hota hai maximum, maximum kitne zeros ho sakte hain. ठीक है, तो फिर एक polynomial के zeros और number of zeros जानने के लिए हमें पहले उसका degree जानना पड़ेगा. ठीक है, तो कोई भी polynomial हो उसका अगर degree हमें पता है तो हम बता सकते हैं कि उसमें कितने polynomial में कितने zeros हम find out कर सकते हैं. तो फिर से वही table देखते हैं. यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीनोमियल है, यहाँ पे अगर जीरो है तो कॉन्स्टेंट, वन है तो लीनियर, टू है तो क्वाड्रेटिक. यहाँ पे पॉलीनोमियल कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का डिग्री कितना है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का डिग्री है टू. तो फिर ये याद रखो, कोई भी पॉलीनोमियल हो उसका डिग्री जितना होता है उसका मैक्सिमम उतने नंबर ऑफ जीरोस रह सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम उतने रह सकते हैं. मतलब यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है उसका मैक्सिमम कितने जीरो रह सकते हैं, टू जीरो रह सकते हैं. ऐसा हो सकता है कि उसका कोई भी जीरो नहीं रह सकता है, या फिर वन जीरो रह सकता है, या फिर टू जीरो रह सकता है, लेकिन तीन जीरो कभी नहीं आएंगे.